नींद भी ढंग से पूरी नहीं हुई अदिति, सिर्फ 3-4 घंटे सोई हूँ मैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, टाइम हो चुका है सुबह के 7:30 और अभी मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है यार। फटाफट से मुझे तैयार होना है, धन मुझे निकलना है मेरा फर्स्ट मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, नर्वस नहीं हूँ, बट यू नो होता है अंदर से एक्साइटमेंट आती है कि यार पहला दिन है, पहला दिन है, कैसा जाएगा कैसा जाएगा। तो लेट्स सी, तो फटाफट से सबसे पहले तैयार हो जाते हैं, देन उसके बाद मिलता है। मैं पहनूंगी ग्रीन, ये मेरा बहुत ही लकी ड्रेस है और होप सो कि लकी डे में लकी ड्रेस लकीली काम आ जाए। लेट्स गो। सो हेलो, नमस्ते, जुले, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप सभी। मैं हो गई हूँ रेडी और सुबह के बज चुके हैं 8:30 और मुझे लगता है कि अब मुझे निकलना चाहिए ऑफिस के लिए। वैसे तो 9:30 है मुझे बुलाया, बट थोड़ा सा जल्दी निकलती हूँ क्योंकि मेरा फर्स्ट डे है और मेरे को ज़्यादा यहाँ का पता भी नहीं है, तो मैं ऑटो ऑटो करके कैसे कैसे निकलती हूँ, लेट्स सी, देखते हैं। बाकी अब मिलते हैं ऑफिस के बाद, चलो। A few inches later. कैमरा नहीं चल रही। इसका डर था वही हुआ। इससे ज़्यादा अच्छा मेरे साथ और कोई क्या कर सकता है। मैं पहुँच गई ट्रिब्यून चौक और मैं लेट हो गई हूँ। आप सबको पता है ऑटो ही नहीं रुकी यार। मतलब और जिस ऑटो में आई वो ऑटो ही खराब हो गया। पेड़ा घर वो। फेज वन। वैसे मैं इतनी लेट हो गई हूँ ना, क्या बताऊँ। मतलब एग्जैक्ट 9:30 पहुंची हूँ, लेकिन बहुत ही कैसा दिन रहा, मैं क्या ही बताऊँ। चलो अभी जाती हूँ ऑफिस, शूट कर पाऊंगी कि नहीं देखते, लेकिन मिलती हूँ, आगे बताती हूँ आप लोगों को। सो अपडेट है कि मैं पहुंच गई रेड एफएम के ऑफिस और वेटिंग रूम पे अभी वेट कर रही, तो सर वगैरह शायद 10 बजे तक आएंगे। आई थिंक मैं जल्दी आ गई हूँ, वैसे ही देखते आगे बताते हैं। A few moments later. यहाँ ना मुझे खुद पर बहुत हंसी आ रही थी, मेरा पहला दिन है और ना मैं अपने साथ रिज्यूम की कॉपी लेके आई। वैसे इंटरव्यू के टाइम दे दिया था, लेकिन मैं फिर भी नहीं लेके आई, मैं भूल गई, और पेन भी नहीं लाई, कॉपी भी नहीं लाई। हंसी आ रही खुद पे। 6.5 hours late. बट ओके, सो मेरा आज का दिन बढ़िया गया है, मस्त गया है, और बट मैं अभी बोल नहीं पा रही हूँ ज़्यादा कुछ। वॉशरूम से शूट कर रही हूँ यार, मैंने अंदर के ज़्यादा कैप्चर नहीं किए, लेकिन आप लोगों को अपडेट्स मिलेंगे। थोड़ा सा रुको, जल्दी बताती हूँ यहाँ से निकलूँ तो। बट मुझे भूख बहुत ज़्यादा लग रही है यार, मेरे को इतना भूख लगी है, पर मैं बताऊँगी, इसकी भी एक स्टोरी है तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बट फिलहाल रुक जाओ, रुको रुको रुको, जाते वक्त बताती हूँ। तो मेरा टाइम हो गया आज के दिन का ओवर, काम भी किया, बहुत कुछ सीखा, क्या क्या एक्सपीरियंस रहा है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन अभी ना बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, चूहे कूद रहे पेट में, तो पहले फटाफट से जीरकपुर पहुँचती हूँ, कुछ खाती हूँ, देन बताती हूँ। कैन यू गाइस इमेजिन, मैंने मॉर्निंग में यहाँ पर जूस पिया था, उसके बाद अभी जूस पी रही हूँ और मैंने कुछ नहीं खाया इसके अलावा। सो
7:15 बज गए और मैं रूम पहुंच गई एंड बैंड बज चुकी है। मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। आप सबसे सारी चीजें शेयर करूंगी, सब कुछ बताऊंगी, पर मुझे पहले लगी है बहुत ज्यादा भूख, तो मैं कुछ बना के फटाफट से खा लेती हूँ, चेंज वेंज करती हूँ, फ्रेश होती हूँ, देन आप सबसे शेयर करती हूँ आज पूरे दिन क्या क्या हुआ। आप सब ना मेरा चेहरा देखकर अंदाजा लगा सकते हो कि भाई मेरी कितनी बैंड बजी है। ना ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरा आज का दिन का फर्स्ट ऑफिस का जो था बहुत ही अच्छा गया है। बहुत ही सारे प्यारे प्यारे लोग थे वहाँ पर, आरजेज, और सबके साथ ना एक बड़ी पॉजिटिव वाइब सी आ रही थी। सबसे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखने की कोशिश की। आज मैंने फर्स्ट डे रिकॉर्डिंग्स जो है वो एडिटिंग की है, और बाकी मैं कुछ आरजेज के शोज सुन रही थी, तो फिर मैं थोड़ा सा देख रही थी ना कि उनका कैसा रहता है स्लैंग वगैरह और किस तरीके से शोज करते हैं, क्योंकि मैं पहले कम्युनिटी में कर चुकी हूँ तो कमर्शियल का मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो पहले मुझे कुछ दिन ऑब्जर्व करना पड़ेगा चीज़ें, उसके बाद जाके मैं जो है अपना स्क्रिप्ट राइटिंग और शोज़ वगैरह बनाने लगूंगी। तो आज के दिन मैंने यही चीज़ें की है। बैंड इसलिए बजी है क्योंकि मेरे को ना बोलते हुए भी हंसी आ रही है। मैं कैसे सुनाऊं आप लोगों तो रहन दो फिर। मतलब मुझसे बड़ा डंप, मुझसे बड़ा बेवकूफ इंसान कोई हो ही नहीं सकता। मेरी ना एक आदत है, मैं वैसे बहुत ही एक्सट्रोवर्ट पर्सन हूँ, मैं ऐसे हिचकिचाती नहीं हूँ, मैं बातचीत सबसे कर लेती हूँ, लेकिन मुझे ना किसी भी इंसान से अगर घुल मिलना है तो मुझे लगभग एक या दो बार उस इंसान से मिलना पड़ता है, मिनिमम बोलूँ दो दिन। वैसे तो मैं एक दिन मिली, जैसे आज मैं मेरे स्टाफ मेंबर्स में जितने भी कलीग्स थे, जितने भी लोग थे, सबसे मैं मिली ना, तो आज का दिन मेरा थोड़ा सा रिजर्व रहा है, लेकिन कल के बाद मुझे पता है कि मैं खुल के निकलूंगी और खुल के मैं सबसे बातचीत करूंगी। तो पहला दिन था ना, तो थोड़ा बहुत तो होता है। सो बात क्या हुआ मैं आप लोगों को बताती हूँ। आपने जैसे थोड़ा सा क्लिप देखा होगा, तो जैसे ही मैं अपने रूम से गई, मैंने ऑटो ली, और एक तो सुबह का टाइम होता है, सभी ऑफिस को जा रहे होते हैं, तो ट्रैफिक इतना ज़्यादा था कि क्या बताऊँ। और मेरी ऑटो जा रही थी और नीचे ना फ्लाईओवर का काम चला हुआ है आगे, तो ऑटो चली और वो किस किस बंद खत्म। मतलब मैं मन ही मन ये सोच रही थी कि ये मतलब क्या था, ये कोई संकेत थे मेरे लिए या फिर मुझे चेतावनी दी जा रही थी किसी चीज की। तो बस फिर क्या, ऑटो वहीं पे रुक गई और फिर ऑटो वाले ने बोला बहन जी प्लीज दूसरी ऑटो देख लो क्योंकि ये तो हो चुके खराब। मतलब या तो मेरी ही किस्मत खराब थी या फिर मैं ही उस ऑटो के लिए मनहूस थी, मुझे नहीं पता। लेकिन यस, ट्रैफिक ज़्यादा था तो धीरे धीरे घसीट घसीट के ऑटो रिक्शा गाड़ियाँ चली हुई थी, तो फिर मुझे अचानक ही ऑटो मिल गई और मैं उस ऑटो में बैठी। देन ऑटो वाले को मैंने बोल के ट्रिब्यून चौक तक गई। और थोड़ी से मेरा होता है ना, पहले दिन आप कहीं किसी जगह जाते हो तो आपके चेहरे पे दिख जाता है कि आप इस जगह पर नए नए इंसान हो, और ऐसी जगह पर नए नए इंसान हो देखकर बहुत सारे लोग आपका बेवकूफ बना देते हैं। तो यस, ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ है। वैसे मुझे पता था, मैं पहले से अवेयर थी कि मेरे साथ फर्स्ट डे तो ये चीज़ होगा ही होगा, बट हो ही गया आखिरकार। तो मैं ट्रिब्यून चौक उतरी और ऑटो वाले ने मेरे से 30 रुपीज़ लिए, हालांकि 20 रुपये ही लगते हैं, 20 भी आई एम नॉट श्योर, वैसे तो 20 ही है क्योंकि आते वक्त 20 मैंने दिया था, चलो वो भी मैं बताती हूँ, तो 20 ही होगा, तो 10 रुपये एक्स्ट्रा खाए, चलो ऐसे कोई बात नहीं है पैसे मतलब, लेकिन फिर भी यार ऐसे आप किसी का क्यों बिल्कुल बना रहे हो यार, क्यों पैसे खा रहे हो? आपको पता है ये ऑटो वाले के लिए है, और जितने भी ऑटो वाले या फिर कोई भी ऐसा इंसान मेरे वीडियो को देख रहा होगा तो उसके लिए देखो हजम नहीं होते ऐसे पैसे, ठीक है? अगर तुम किसी के पैसे यूँ खाओगे, मेहनत से कमाओ, जितना है उतना लो। जो तुम इस तरीके से करते हो ना, ये आगे जाके ना ये पैसे तुम्हारे से छूट जाएंगे, किसी ना किसी तरह से भगवान देखता है, वो ले लेता है, ठीक है? तो ये बहुत गलत चीज़ है। और वहाँ पे मैं ट्रिब्यून चौक में उतरी, देन मुझे सिखाया था 2-3 दिन पहले ऋषभ वगैरह आए थे, तो उन्होंने मुझे बताया था कि यहाँ से मुझे राइट साइड जाना है, राइट साइड जाके फिर मुझे ऑटो मिलेगी, वहाँ से मुझे फेस वन के लिए जाना है, देन वहाँ से थोड़ा सा बाय वॉक है, पहुँच जाऊँगी मैं रेड एफ एम के स्टूडियो, ठीक है? तो वैसे नेविगेशन देख के मैं गूगल मैप से भी जा सकती थी, लेकिन मेरे को थोड़ा सा पता था तो फिर मैंने इसलिए मैप वोप खोलने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया और मैं छतरी बनते हुए चल पड़ी जी आगे और राइट साइड गई, सेम वहाँ पे मुझे ऑटो मिली, देन मैं ऑटो में बैठ के फेस वन तक गई। और फेस वन से पहले एक चौक आता है तो मैं उस चौक पे उतरने वाली थी, देन उन्होंने बोला फेस वन तो आगे है, फिर मैंने अच्छा अच्छा, फिर उसको भी पता चल गया ऑटो वाले को कि ये लड़की नई है यहाँ पे, और उसने क्या किया, अब मुझे पता था वहाँ से वहाँ तक तो थोड़ा सा ही जगह है तो आई थिंक 10 ही रुपये लेगा ज़्यादा से ज़्यादा,
तो मैंने अपने पर्स से 10 रुपए निकाले और उसको दिए, लेकिन उसको लगा, पता चल गया कहीं ना कहीं से, पता नहीं कैसे, मेरी शक्ल में दिख रहा होगा कि मैं न्यू हूँ। तो उसने बोला, नहीं दीदी 10 नहीं हुए 20 रुपए हुए। मैंने बोला, है 20 रुपए हुए? बोलता हाँ। मैं बोला अच्छा ठीक है, मैंने दे दिया। मैंने ज्यादा बहस नहीं किया क्योंकि वैसे ही मैं बहुत ज्यादा लेट हो रही थी। तो फिर उसके बाद मैं बाय वॉक करके गई, ऑफिस पहुंची। अब यहाँ पे सीन क्या होता है सुनो। तो जिस दिन मैं इंटरव्यू के लिए गई थी रेड एफएम पे, तो वहाँ पर मैंने देखा था कि अंदर को कैंटीन सा था। तो मुझे लगा अच्छी बात है ना, कैंटीन होगा तो ठीक है, अगर टिफिन विफिन का है तो मैं यहाँ पर कुछ ऐसा लगा के वैसे लंच कर लूँगी। लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं था, वहाँ पर अंदर था कैंटीन सा, बट उसमें फ्रिज वगैरह रखा हुआ था, गर्म करने के लिए भी रखा हुआ था। तो उसमें सब अपने अपने टिफिन ला के रख रहे थे और बाद में अपना लंच कर रहे थे, और मैं महान इंसान कुछ नहीं ले गई खाने के लिए। अगर रेड एफएम से कोई ये देख रहा होगा ना तो मेरे पे हंसेगा, मेरे को बोलेगा अदिति तूने बताया क्यों नहीं कि तू कुछ लेके नहीं आई थी, क्योंकि मेरे को ना पूरे दिन सारे आरजेस लाइक यूं बोल रहे थे, अदिति तुमको भूख नहीं लग रही, अदिति तुम खाओगी नहीं कुछ, हिमाचल वाले खाते नहीं है क्या कुछ। अब मैं मन ही मन सोच रही हूँ यार मैं इनको क्या बताऊँ, मैं कहाँ से खाऊँ, मैं कुछ लेके नहीं आई हूँ। फिर मैंने सोचा कि नीचे जाके कुछ ऑर्डर कर लेती हूँ या कुछ खा लेती हूँ, फिर मेरा मन ही नहीं किया। फिर मैंने बोला नहीं यार शाम को ही खा लेते हैं, इट्स ओके। वैसे दिन को मुझे खास उस टाइम इतनी भूख लगी नहीं थी। तो ऐसे ऐसे बार बार मुझे सर वगैरह भी पूछ रहे थे कि अदिति तुम कुछ खाओगी नहीं, सीरियसली खा लो। फिर ऐसा हुआ कि 4 बजे के करीब मेरे पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़, सर में दर्द शुरू हो गई कि भाई अदिति अब तो तुझे भूख लग रही है, कम ऑन। और मेरी टाइमिंग है 6 बजे तक की शाम की। तो मैंने सर नहीं आ रही थी, 2 ही घंटे बचे, रुक जा, रूम जाके सीधा खा लेंगे, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। बस फिर क्या था, देन जैसे तैसे मैंने खुद को संभाला, फिर मेरे हेडेक भी होने लग गया था। फिर मैं थोड़ी देर काम कुम किया ख़त्म, और 6 बजे फिर मैं वहाँ से निकल गई वापस। तो मैंने ना अंदर का पार्ट्स मैंने शूट नहीं किया है व्लॉग, वो इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरा पहला दिन भी था और मुझे चीज़ें ये भी नहीं पता ना कितनी चीज़ें वहाँ पर दिखा सकते हो आप कैमरे में, क्या चीज़ें नहीं। तो फिर मेरे को ये सारी चीज़ों की नॉलेज अभी है नहीं, तो धीरे धीरे देखती हूँ जब सबके साथ घुल मिलूँगी, आरजे से बाकी सबों से, तो उन सबको भी आप सबसे इंट्रोड्यूस कराऊँगी। बट फिलहाल तो यही चीज़ें रही। एंड हाँ, इसके बाद क्या हुआ, जब मैं वापस को गई तो फिर मुझे फिर ऑटो मिली, और इस बार मैंने ठान लिया था कि अदिति अपने फेस में बिल्कुल शो होने नहीं देना कि यू आर न्यू हेयर। तो मैं बिल्कुल ऐसे कि लाइक मैं तो रोज ट्रैवल करती हूँ यहाँ से। पता नहीं यार मेरा ना दिमाग कहाँ था, मैं गूगल मैप पे खोल के भी देख सकती हूँ ना डायरेक्शन किस साइड से जाना है मुझे, मैंने नहीं देखा, मैं चली गई। मेरे को लगा कि लाइक मेरे को तो पता है यहाँ से कैसे कैसे जाना है। ठीक है, मैं उतरी, एक तो मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, ऊपर से सर में दर्द हो रहा था। उन पर बात करते जा रही थी तो फिर वहाँ पर नोवोटेल करके होटल है, तो उसके सामने से जाना था, ठीक है, आगे को जीरकपुर जाता है, तो उसने बोला था उसके सामने से, और मैं गई नोवो होटल के इस साइड के सामने से, और मैं आगे निकल गया। मैंने बोला यार यहाँ तो बहुत सारी ऑटोज है, तो मैं बोला ठीक है। वहाँ पे मैं ऑटो गई, ऑटो के पास गई, और मैंने ऑटो वाले भैया को बोला भैया जीरकपुर चलोगे? फिर वो हंसा, फिर उसने बोला हाँ जी चलेंगे ना, 150 लगेंगे। मैंने बोला स्पेशल, बड़े स्टाइल से बोला, यू नो स्पेशल नहीं जाना मेरे को। वो बोलता तो दूसरी साइड जाओ ना मैडम, इधर से तो स्पेशल ही जाएगा अपन। और आई वाज लाइक कि है ये क्या हुआ मेरे साथ। फिर बोलता कि मैडम आप दूसरी साइड आए हो, आप उस साइड जाओ, वहां से आपको जीरकपुर के लिए बस मिलेगी, जीरकपुर के लिए ऑटो मिलेगी, और यहाँ से तो स्पेशल ही जाता है। मैंने बोला अच्छा अच्छा ठीक है। फिर मैं बोला यार बेइज्जती करा दी अपनी। फिर मुझे वहां पे ऑटो मिली, देन मैं ऑटो में बैठी, फिर उसके बाद मैं यहाँ पर पहुंची जीरकपुर। उसके बाद मैं वॉक करते हुए रूम आई, देन मैंने फिर बाकी तो मैंने दिखाया। उसके बाद मैंने यस जूस पिया सबसे पहले, तो क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत थी, और कल से टिफ़िन ले जाना है तो सोचा सबसे पहले टिफ़िन ले लेती हूँ, तो फिर मैंने वो भी लिया। देन उसके बाद रूम आई और मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी कि क्या बताऊँ, तो मैंने सोचा सबसे पहले बना लेते हैं, कुछ खा लेते हैं, उसके बाद आप सबको सारी चीज़ें बताती हूँ। तो यस यही था मेरा आज का दिन, और बाकी सीखने को भी बहुत कुछ मिला और बहुत सारे लोगों से मिली आज, बहुत ही अच्छी वाइब्स आई, बहुत ही अच्छा लगा। चलो ये तो पहला दिन था, धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर होगी, मेरे को सब कुछ समझ में आने लग जाएगा, तो सब कुछ बढ़िया जाएगा, है ना। फिलहाल मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो गए 8 बज गए, तो अभी मैं खाना वगैरह खा के ना मेरे को जस्ट नींद आ रही है कि बस थोड़ी देर के लिए सो जाऊँ, पर मुझे पता है अगर मैं सो गई तो फिर सुबह तक उठने का मन नहीं करेगा।
बट अभी मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लेती हूँ और व्लॉग एडिट करने लग गई तो फिर मेरे रात के 12:30 बज जाएंगे, जो कि मैं नहीं चाहती। तो आज तो मैं व्लॉग एडिट नहीं कर रही, मैं कल आके ऑफिस से करूँगी क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो मिलते हैं कल। बाकी चलो ठीक है, रखो यार आप सभी अपना ध्यान, और थैंक यू सो मच आप सभी के ब्लेसिंग्स के लिए। बस मुझे बताना था आज का दिन मेरा कैसा गया, तो मैंने शेयर कर लिया। बाकी मिलते हैं आप सभी से कल।